आंदोलन जो है हमेशा से होते रहे, लेकिन इस तरीके से सरकार का या किसी बिल का विरोध करना, पुलिस वालों को इस तरीके से मारना और झंडा फेंक देना। भैया मैं तो इसे एक बात पूछ रहा हूँ कि किसान सिर्फ पंजाब और हरियाणा में ही है क्या? पूरे देश में कोई किसान नहीं है? महाराष्ट्र में किसान नहीं है, बंगाल में किसान नहीं है, उत्तर प्रदेश में किसान नहीं है? कौन से पूरे देश में सिर्फ पंजाब और हरियाणा में ही किसान बचा हुआ है? और चलो समझ आता है, तुम्हें गलत लग रहा है, गवर्नमेंट तो चेंज करने को बोल रही है, तुम करवाओ ना चेंज। तुम्हें चेंज नहीं करवाना, तुम्हें पूरा बिल वापसी करवाने हैं। अच्छा, अभी अभी भी कई सारे ऐसे जो नेता हैं, कोई राजनेता है जो सो कॉल्ड जो किसान नेता बने हुए थे, चाहे योगेंद्र यादव हो गए, चाहे वो राकेश टकैत हो गए, वो यहाँ पर सामने ये बात बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं इसमें पुलिस की गलती है, यहाँ की उन्होंने पुलिस और प्रशासन की गलती है, उन्होंने जो है सिक्योरिटी ढंग से नहीं रखी और उन्होंने इतने हल्के तरीके से ये जो पूरा मामला है लिया, इस पर आप क्या कहेंगे? वो पुलिस की गलती है, प्रशासन की गलती है? भैया पुलिस प्रशासन की कोई गलती नहीं है, जैसे पुलिस को तो ऊपर से ऑर्डर मिलेंगे उतना ही करा जाएगा, और पुलिस अगर करती तो बहुत कुछ हो सकता था यहाँ पर। उसने तो किया ही नहीं, वो नतीजा कल हुआ है, ये कुछ और परिणाम देखने को मिलता है। पुलिस करती तो बहुत कुछ हो सकता था यहाँ पे। दूसरी बात ये थी, अगर आपको कोई बिलों के अंदर लग रहा है कुछ गलत है, तो गवर्नमेंट तो फेवर कर रही है, आपको बोल रही है आप चेंज करवाओ उसको, आपको करवाना ही नहीं है। अब आने वाले टाइम में अगर ये बिल वापसी हो जाता है ना, तो 15 साल तक कोई भी गवर्नमेंट आया किसी की हिम्मत नहीं है कि एग्रीकल्चर एक्ट को कोई हाथ भी लगाने की कोशिश करेगा। और सपोज करो एक साल बाद ही कोई किसान भूख से मर जाए, आत्महत्या कर ले, कब तुम किसको बोलने जाओगे? गवर्नमेंट तो हाथ खड़े कर देगी, हमने तो एग्रीकल्चर बिल लाया था, तुमने पास नहीं होने दिया। सर अगर ये जो आंदोलन था, ये किसानों का था या पंजाब का था? क्योंकि हमने देखा कि यहाँ पर तो जो झंडा फहराया गया वो सरदारों का आंदोलन था, ये कोई किसी का आंदोलन नहीं था, कोई किसानों का आंदोलन नहीं था। वो निहंग जो घूम रहे थे वो किसान थे क्या? वो नंगी तलवारें लेके घूम रहे थे किसान थे? आपको पूरे इंडिया में दिखा दो कौन तलवारें ले लेके कितने किसान घूम रहे हैं। इस समय गवर्नमेंट गलत कर रही है, गवर्नमेंट का बहुत अच्छा चांस है, जितने भी बैठे हैं ना ये, इनको बैठने भी नहीं देना चाहिए कहीं पे। और जितने भी ये यूनियन लीडर थे सबके ऊपर NSA लगाए, ये सबके ऊपर NSA लगा के इनको तो भगाना चाहिए यहीं से। क्या लगता है जो यूनियन लीडर जो ये किसान के जो सो कॉल्ड नेता बने थे, उनकी वजह से भी कल ये सारी चीजें हुई? क्योंकि वो जिम्मेदारी ले रहे थे, वो बोल रहे थे हमारे पास 3,000 वॉलंटियर है और इस तरीके से कोई कुछ नहीं होगा। ये सिर्फ उन लीडरों के कारण ही हुआ है और कुछ नहीं था, और उनकी प्री प्लांट था ये सब कुछ। और इवन अब गवर्नमेंट को इनके ऊपर NSA लगाना चाहिए। और इवन अब यहाँ पे फ्रेंकली बोलने वाली बात है कि यहाँ पे मोदी जी की तरह नहीं काम चलेगा, अब योगी जी की तरह काम चलेगा। यहाँ जो मोदी जी की पॉलिसी है वो काम नहीं कर पाएगी यहाँ पे इन लोगों के साथ, इनको करने के लिए टोल रेट गवर्नमेंट बहुत कर रही है, पर अब टोल रेट से इससे काम नहीं चलेगा। तरीके से पुलिस वालों को मारा गया, उन पर तलवारें डंडे वगैरह लाठी वगैरह सारी चीज़ों से हमला किया गया, उसके बारे में क्या कहेंगे? सर बहुत गलत हुआ, बहुत ज़्यादा। सब ना हरकत की बात है कि अपने ही पुलिस वाले सारे ऐसा कर रहे हैं, बताओ कर रहे हैं। और कहा जा रहा है सर कि लाल किले पीछे के साइड में ही 10-12 पुलिस वाले फंसे थे, जिन्होंने भागे लड़कों ने उन्हें रस्सी डालकर खड्डे से बाहर निकाला था। और ये बात भी उन्हें गहरी चोटी के 4 पुलिस वाले घायल थे और एक आधे के बहुत जख्मी थे, उन्होंने ठीक करके वो लड़के जैसे मुझे एम्बुलेंस पे खुद लेके गए थे। ये कल की बात है ये शाम को। अब ये लोग क्या कर रहे हैं, ये बाकी सिख जो है ना ये कह रहे हैं नहीं गलत हुआ, जो हुआ भाई साहब तुम तो थे ना यहाँ पे, उनको मारते जो गलत कर रहे थे, तुम उनको मारते ना, पुलिस के ऊपर छोड़ रहे थे। तुम्हारा देश नहीं है क्या? अगर तुम सही थे सपोर्ट में थे, तुम्हारा देश नहीं है क्या? लाल किला तुम्हारा नहीं है, झंडा तुम्हारा नहीं है, जो गलत कर रहे थे तुम उनको खुद मारते ना। आज क्यों गलत कहने लग रहे हो? नहीं वो भाई साहब वो गलत था, लेकिन झंडा फेंकना ये कहाँ तक इस चीज में हम देखेंगे कि झंडा फेंक दिया, तो झंडा फेंकता कहाँ तक जायज है? ये तो बिल्कुल जायज नहीं है, अगर झंडा वहां पर था तो गिराया, वो बिल्कुल जायज नहीं है, वो तो गलत किया है जिन्होंने भी किया। शरारतियां सुन ऐसा बोल रहे थे पहले कि हमारे पास 3,000 वॉलंटियर्स है और 3,000 वॉलंटियर कल किसी भी तरीके से कुछ भी ऐसी चीज नहीं होगी, लेकिन हो गई। नहीं वो जो है ना असली किसान नेता, वो नहीं चाहते थे कि जहां पर आने के लिए, ठीक है ना, जब ये झंडा फहराया उनकी ड्यूटी नहीं थी क्या उनको रोकने की? या तलवारें जो घूम रही थी, जो किसान बोल रहे हैं ये सो कॉल्ड किसान थे, उनकी ड्यूटी नहीं थी उनको रोकने की? सिर्फ पुलिस की ड्यूटी थी ये? उन्होंने मना किया। आप सुनिए, सरकार को वोट काम नहीं होते। कल जिस तरीके से कल निहंग जो सरदारों ने जिस तरीके से पुलिस पर तलवारों से हमला किया, वो कैसे देखते हैं? भाई साहब सिंपल सुन लो, ये देश में ना अब भी लोग आराम से शांति से बैठे हुए हैं, अदरवाइज इसीलिए कि कम्युनिटी वगैरह सब एक साथ ही रहे, अदरवाइज पूरे देश के अंदर ही माहौल खराब हो सकता है। चलो पंजाब में ठीक है सरदार,
हैं, यूपी में है और जगह जो है इक्का दुक्का सरदार होते हैं। मिस हैपनिंग हो जाए कल को क्या माहौल बने जाएगा? इक्का दुक्का सरकार नहीं है, किसान नहीं है, किसान की बात नहीं कर रहा मैं। किसान आए हैं वहाँ बॉर्डर पर, पूरे देश के किसान आए, लेकिन वहाँ पर झंडा जो था सिक्की का क्यों फहराया गया? सिक्की का क्यों फहराया गया कल? किसान की बात नहीं है, सभी देश के किसान एकजुट है वहाँ पर अब। हाँ भाई, मतलब अगर आप कह रहे हो पूरे देश के किसान थे तो वहाँ पर सिक्की का झंडा क्यों फहराया गया? सिक्का झंडा नहीं है वो, कल दो झंडे थे, किसका था फिर वो झंडा? नहीं नहीं, वो कौन सा झंडा? जो कल झंडा फहराया गया, जो हमारा देश का झंडा झंडा है केसरी, लेकिन वहाँ पर तो सिक्की का झंडा था वो तो। हाँ वो है सिक्की का झंडा है, उसके साथ हम भी हैं आपके साथ। नहीं नहीं सर, ये कह रहे हैं वो झंडा कोई और था भाई, वो सिक्की का झंडा था यार। अभी अपना मोबाइल देख लो, आजकल तो क्लियर है कौन कह रहा है, कोई भी बता देगा सिक्की झंडा है वो। मैं सर यहाँ पे करीब 7:30 से लेकर 9:30 तक, और उसमें जो है उन्होंने तिरंगे को हाथ नहीं लगाया, साथ में बगल में निशान, बगल में निशान और दूसरा दो झंडे लगाए। कौन से झंडे थे वो? एक तो गुरुद्वारे का निशान और एक अपना खालिस्तान का। कल इतनी पुलिस नहीं थी जितनी आ जाए, अगर कल इतनी पुलिस होती ना होता ये सब बीजेपी का खेल है। मतलब बीजेपी का खेल कैसे? बीजेपी का खेल कैसे? उसका ही खेल है, अगर वो होते तो ना ये सब कुछ होता, इतनी पुलिस ना होती। मतलब आप ये बोल रहे हैं कि जो गलती थी वो प्रशासन की थी और पुलिस की थी? हाँ बिल्कुल, पुलिस और प्रशासन की गलती थी। अरे उनकी गलती है, कैसे कैसे रोक सकते थे? क्यों नहीं रोका लोगों ने? वो ऐसे घूम रहे थे आसपास। मतलब बात ये है कि वो उनको रोकना चाहिए था, लेकिन जिनको रुकना चाहिए था वो क्यों नहीं रुके? उन्होंने क्यों फहराया वहाँ पर? वो तो देखो आप बोल रहे हैं ना, वो शरारती अंसर थे जिन लोगों ने ये शरारत की है। किसान कई सारे लोग थे, कुछ नहीं थे, कई थे, कई लोग थे ना जो उसमें आगे थे, लीडर सिद्धू बोरे सब उसका किया दरा है, जो असली मैन है थोड़ा सा निगाह पड़ा है, जो राज्यपाल साहब है वो पीछे से रोक रहे थे कि मत जाओ, पर उसने किसी की नहीं सुनी। हम दरियागंज में ही रहते हैं, दरियागंज में हम अपने घरों में थे, और जब हमने ये देखी तो फिर हमें ऐसा हुआ कि हम यहीं आके, और उन्होंने जो तिरंगा उतारा, मेरा मन वहाँ उस टाइम पे ऐसा हो रहा था कि मैं उस तिरंगों के ना उतार के मैं उसको ही वहाँ पे उतार दूँ, 6 इंच और छोटा कर दूँ, और उल्टा वो तिरंगे को नीचे ना करके मैं उसको ही ऊपर लटका दूँ, मेरा मन तो ये हो रहा था। और सबसे बड़ी बात, इन्होंने जो अंदर आए और यहाँ जाके इन्होंने इतनी बड़ी कांड कर दी, अब कतई बर्दाश्त। लेकिन 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 यहाँ पर ये सर कह रहे थे कि गलती जो थी वो पुलिस की थी, प्रशासन की गलती होती तो कौन चाहेगा कि मेरे घर पर आग लगे? कोई चाहता है ऐसा? कोई भी व्यक्ति बोल सकता है घरों में आग लग रही होता? कोई व्यक्ति विशेष घर पर आग नहीं लगी है? कोई भी व्यक्ति विशेष घर पर आग नहीं लगी है? ऐसा नहीं, किसान है, जय जवान जय किसान को हम भी मानते हैं, लेकिन किसान हूँ, लेकिन हम भी किसान के बेटे हैं। अरे हम भी हैं किसान, हम भी हैं। आपने बोला है ना, गद्दार थे। सभी लोगों को पता है कि सोशल मीडिया पे इतने वीडियोस वायरल हुए हैं, ठीक है? एक वीडियो में तिरंगों पर लगा नहीं होता है प्राचीर पे, मेरी बात सुनिए, ठीक है? लेकिन जब वहाँ पे लोग खड़े थे, किसी व्यक्ति ने तिरंगा भी पकड़ाया था उसको, ठीक है? एक व्यक्ति में उसने तिरंगा फेंका, देन उसने अपना जो भी झंडा था उनका वो झंडा वहाँ पे निकाला। झंडा तिरंगा वहाँ पे नहीं होता, तिरंगा बैक साइड में था, ठीक है? लेकिन उसने उस व्यक्ति विशेष जो भी था वो हम नहीं जानते उसको, उस व्यक्ति विशेष ने तिरंगे को हाथ से पीछे फेंका, ऐसा हमने सोशल मीडिया पे वायरल वीडियो देखी है, ठीक है? दूसरी बात, वीडियो बहुत सारी है, ठीक है? दूसरी बात, हमारी सुरक्षा एजेंसियां जितनी भी है, ठीक है, दिल्ली में अपना घर बार सभी का होता है, जैसा हमारा घर बार है उनका भी है, उनको ऐसी ऐसी वीडियो हमने देखी, उनको कूदना पड़ा, इतने पीछे की वीडियो थी, 20 फीट गहराई में उनको कूदना पड़ा, ठीक है? वो उनके भाले तलवार से उन पे वार किए गए, ठीक है? आज 300 ज्यादा पुलिस भर्ती है, एलएनजेपी में आप जाइए वहां देखिए क्या हाल है। प्रधानमंत्री जन जन का प्रधानमंत्री होता है, कोई व्यक्ति विशेष का प्रधानमंत्री नहीं होता है, ठीक है? यदि किसी दीप सिंधु जो भी था वो, ठीक है, यदि अगर दीप सिंधु ने सनी देओल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ में अगर फोटो खिंचवाई है तो गलत क्या है उसमें? आप कैसे कह सकते कि ये नरेंद्र मोदी के दल ने है या फिर ये बीजेपी के दल ने? पार्टी
होगी। पार्टी विशेष में नहीं बोल सकते आप। एक बात और भाई जी, कल के दिन एक मिनट कल के दिन नहीं भाई साहब, एक मिनट बस, एक मिनट, मेरे परिवार का बस एक। कल के दिन मेरी फोटो प्रधानमंत्री के साथ होगी। अभी मेरी फोटो मेरे पास नरेश गोयल कैंट के अध्यक्ष के साथ में है। अभी मैं यहाँ पे आके गोली चला दूंगा तो मुझे क्या आप लोग ये कहोगे कि ये बीजेपी का है और ये बीजेपी का इसने कर दिया, बीजेपी ने करवाया है? कैसे कह दोगे? ये नहीं होगा। और सुनो, एक बात और मेरे साथ का एक व्यक्ति, सुनिए, मेरे साथ का एक व्यक्ति, वो जो कि उत्तराखंड से दिल्ली की ओर आ रहा था, ठीक है, जब उसने रास्ते में देखा कि इस प्रकार की जो अव्यवस्था फैल चुकी है, उनकी जो फोर व्हीलर गाड़ी थी वो गलती से फंस गई थी ट्रैक्टर के बीच में। वहां पे क्या हो रहा था, मैं आपको असलियत बता रहा हूँ, ठीक है, असलियत, वहां पे वाइन चल रही थी ट्रैक्टर में, वाइन। बिना दारू पिए हुए कोई भी इंसान इतना बड़ा आंदोलन नहीं कर सकता, क्योंकि उनकी मानसिक स्थिति, संतुलन बिल्कुल हट चुका था। मैं बोलता हूँ अगर मोदी जी के साम उनका फोटो आसानी से हो सकता है तो हमारा फोटो क्या नहीं खींचाता है? तुम भी जाओ अपने अंदर एबिलिटी लेके आओ, अपने अंदर खासियत लेके आओ, जाओ वहाँ पर। मैं कहता हूँ आप जाओ। एबिलिटी की बात है, उनकी एबिलिटी की बात है, उनमें क्या एबिलिटी है जो उनके साथ है? देखो सुनो, मेरी बात सुनो, मैं आपको पहले ही बोला था, मोदी, सुनिए, मोदी जन जन का प्रधानमंत्री है, मोदी जी जन जन सामने आना चाहिए। जब देखिए, सुनिए, जब एक भी ट्वीट नहीं करा, जन जन के प्रधानमंत्री है, एक भी ट्वीट नहीं करा कल से अब तक, ना कोई लाइक कॉन्फ्रेंस करी, क्यों नहीं करी, ना दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने करी, सुनो, इसमें इतनी शर्मनाक हरकत हो गई। अब सुनो, मैं पूछता हूँ कहाँ है वो अपराधी? अब मैं बता रहा हूँ आपको, पकड़ो उन्हें, मैं बता रहा हूँ आपको, सुनिए मेरी बात, देखिए, देश का प्रधानमंत्री, केंद्र में बैठा हुआ व्यक्ति, उसकी बहुत ज्यादा गरिमा होती है, ठीक है, वो व्यक्ति किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर नहीं बोल सकता, ठीक है, वो उसकी प्राइवेसीज है, वो नहीं बोल सकता। आप लोग कह रहे हैं उसने क्यों नहीं बोला, आपने ये राकेश टकैत को बोला? आपने ये उस सिद्धू फिद्दू जो भी था, वो डकैत जो भी था, उसको बोला आपने? पक्कल उतार देने की बात कर रहे थे, इलाज कर देने की बात कर रहे थे 26 जनवरी को। ये बेवकूफ लोग हैं, ये इनकी जो मानसिकता है ना, ये डकैत हैं, ये धमकी दी थी, इतने जितने भी भाषण दिए ना इनने, ये सारे इनको भड़काने के, सारा यूथ था, सारा यूथ। चलो चलो, जब मेरी बात सुनो, एक मेरी बात सुनो, ये घटना कल हुई है, जो किसानों ने, 100 किसान वहां शहीद हो गए, उनके घरों का क्या हुआ है उसका बताओ, ये घटना कल हुई है ना। अब जो कल 300 पुलिस वाले यहाँ पे, जो यहाँ पे सुने, उनका क्या होगा? उनका आंसर दो, मर चुके नहीं है। अगर बिल वापस ले लेती सरकार, ना होता, अगर बिल सरकार वापस, लेकिन संशोधन करने के लिए तो तैयार थी, बात करने के लिए तो तैयार थी, फिर क्यों नहीं? कितनी मीटिंग हो चुकी है, ये चीजें शांतिपूर्ण भी, कितनी मीटिंग हो चुकी है सरकार, ये चीजें देखिए सुनिए मेरी बात, देखो सुनो, ये चीजें शांतिपूर्वक भी हो सकती थी, ये चीजें शांतिपूर्वक, क्यों नहीं हुई शांतिपूर्वक? आप किसान के, हमें दुख है उस बात का, हमें, अगर किसान कोई वहाँ पे खत्म हुआ है, हम उस दुख जाहिर करते हैं उस चीज का। अरे लेकिन कल की बात पर भी निंदनीय अपनी टिप्पणी दीजिए कि कल बुरा हुआ नहीं, भारत की अस्मिता के ऊपर सवाल उठा है, देश विदेश पूरे विश्व में एक ही खबर छपी है कि भारत 26 गणतंत्र दिवस, हमारा संविधान लागू हुआ था इस दिन आजादी मिली थी हिंदुस्तान को, हमारा जब किसान खुद कह रहा है कि मेरे जब किसान खुद कह रहा है कि मुझे ये कानून चाहिए नहीं, तो फिर ये कानून लाया क्यों है? लेकिन बात तो कह रहा है ना, एक मिनट मेरी बात सुन लो पहले, जब किसान खुद कह रहा है कि मेरे लिए ये कानून, मेरे लिए आगे के लिए मेरा खराब ही है, लेकिन और किसान नहीं, और किसान तो इस बात को बोल रहे हैं कि हमें बिल चाहिए, कौन सा किसान मना कर, तो आरएसएस से जुड़े हुए उसको भी किसान मानोगे क्या? फिर आप पार्टी विशेष में लेके आ गए, ये नहीं चलेगा, ये आपका, ये आरएसएस के ऊपर, देखो आरएसएस के, सुनो, आरएसएस के फौजी हम भी है, आरएसएस के फौज हम भी है, वो आरएसएस के
फोर्सेस को हो यार, हमें कोई मतलब नहीं है। 60 लाख फौज में से एक अगर मैं भी हूँ, मैं भी हूँ, तुम अपने घर पे रहोगे, मैं जो भी हूँ अपने घर पे रहूंगा। आप जो देशभक्त बनना ना ज्यादा बड़ा, तो बॉर्डर पे चले जाओ, वहाँ बिल्कुल एक सर और ठीक है, बॉर्डर पे जाएंगे लेकिन देश जाएंगे, देशभक्ति सुनिए, नहीं चलेंगे बॉर्डर पे जाएंगे। एक सेकंड देशभक्ति के बारे में जानते क्या है आप? देशभक्ति करते हैं, देशभक्ति ना घर पे रह के भी हो सकती है, देशभक्ति रोड पे चल के भी हो सकती है, देशभक्ति दुकान में बैठ के भी हो सकती है, ठीक है ना। देशभक्ति के अलग अलग चीजें हैं, ठीक है ना, आप एक किसी चीज को लेके नहीं बोल सकते।